अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 किलो करेले यूज़ कर रही हूँ, 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 7 अदद हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 टेबलस्पून नमक। सबसे पहले हम करेलों में नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे कर देंगे। करेलों पे मैंने नमक लगा के उसे साइड पे रख दिया है। अब मैं आपको गोश्त के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे आधा किलो चिकन, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 अदद हरी मिर्च, 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड होगा। एक कढ़ाई में मैं सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। 1 कप कुकिंग ऑयल, इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक एंड 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी। लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करेलों को मैंने नमक लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे पानी से अच्छे से धो लूँगी और किसी भी मलमल के कपड़े को यूज़ करके इसे निचोड़ लूँगी ड्राई करने के लिए। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसे ड्राई करने के लिए। चिकन को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा हुआ है। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। जब तक ये थोड़ा सा गलता है हम करेले फ्राई कर लेते हैं। चिकन गलने के लिए मैंने रखा हुआ है। दूसरी साइड पे मैं नॉनस्टिक पैन यूज़ करूँगी करेलों को फ्राई करने के लिए। उसके अंदर सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन की हुई है। अब मैं इसके अंदर करेले ऐड करूँगी जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया है। इसे अच्छे से फ्राई करना है, ध्यान रखना है इसका कि ये जल नहीं जाए। दस मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखें, अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे अलग से प्लेट में निकाल लूंगी। कुकिंग ऑयल से मैंने करेले निकाल ली हैं। अब मैंने इसके नीचे अगेन हाई फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज फ्राई करूंगी।
प्याज को भी मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे अलग से प्लेट में निकाल लूंगी। पूरे 25 मिनट हो गए हैं, मैंने चिकन को लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अब मैं इसके नीचे फ्लेम थोड़ी मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम करने के बाद अब मैं हम इसके अंदर करेले, साथ ही इसके अंदर प्याज जो हमने फ्राई की है, मिर्चें और टमाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम करके इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी कवर करके। पाँच मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम करके दम पे रख लिया था। ये देखें, ये बनके तैयार है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे अलग से सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। करेले गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं उसकी रेशियो हम बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं तो हमारी रेसिपी ऑटोमेटिकली टेस्टी बन जाती है। आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।